स्टूडेंट जो आर वॉचिंग और केमिस्ट्री क्लास ऑन चैप्टर ऑफ मॉडर्न पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यू नो वेरी वेल द ब्रिनर ट्राइब्स एंड नील एंड मिंडली देयर वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज एज वेल एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ओके बट देयर periodic table was discarded due to some reason that I have already explained in the previous class. So now I will explain on the modern periodic table. Okay, so this modern periodic table was designed by the Neil Bohr. On the basis of the increasing order of atomic number and and also the related with the chemical property of these elements. Okay, so how he designed the periodic table? How? So suppose this is what hydrogen, lithium, sodium. करेंगे अरेंज करेंगे ओके इस तरह से हम इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा In this way, you have to arrange this modern periodic table. Okay. So now, what are the main features of this modern periodic table? You must keep in mind. इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. इसका जो modern periodic table है ना, तो इसमें आपको समझना है कि ये जो आपका ये हो गया आपका group one, okay? ये हो गया group two. तो ऐसे करके अगर मैं लिखता हूँ numerical number में लिखता हूँ one two, ये हो जाएगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 यहाँ हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो इस तरह से हमने देखा कि he divided this periodic table into 18 groups. 18 ग्रुप का मतलब ऊपर से जो नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं 18 ग्रुप्स बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट हम देखेंगे जो लेफ्ट टू राइट उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियड। क्या कहेंगे? पीरियड। देखो तो ये एक पीरियड आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये विलियम मैं यहाँ लिख देता हूँ विलियम, ओके। ये एक पीरियड आ गया, फिर यहाँ से ये एक पीरियड आ गया, ओके। तो यहाँ से फिर एक पीरियड आ गया, यहाँ से ये पीरियड आ गया, क्या किया ये टेबल तैयार कर दिया। तो याद रखोगे इसमें ग्रुप वन जो है इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहेंगे? एल्कली मेटल। जो ग्रुप टू है इसे हम कहेंगे एल्कलाइन मेटल। क्या कहेंगे? एल्कलाइन मेटल। उसके बाद जो है ये जो है ग्रुप नंबर 13, इट बिलोंग टू बोरोन फैमिली। क्या कहेंगे? बोरोन फैमिली। जो ग्रुप 14 है इसे हम कहेंगे कार्बन फैमिली। क्या कहेंगे? कार्बन फैमिली। क्लियर हो गया। और ये जो आपका जो आ गया ग्रुप 15 जिसको जिसमें नाइट्रोजन है, तो इट बिलोंग टू नाइट्रोजन फैमिली, या तो हम कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन का जो स्पेलिंग है वो हो जाएगा PNICOGEN, नाइट्रोजन फैमिली, ओके। उसके बाद आ जाओ ये जो 16 नंबर जो ये इट बिलोंग टू वन ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर। तो ऑक्सीजन जो फैमिली है मैं इसको चैल्कोजन फैमिली भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? चैल्कोजन फैमिली, ओके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वन ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में था? ओर के रूप में आते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चैल्कोजन फैमिली। और ये जो फ्लोरीन क्लोरीन जो है दे बिलोंग टू हैलोजन सॉल्ट, है ना, हैलोजन फैमिली। तो बिकॉज दे फॉर्म्स व्हाट? सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, ओके। एंड लास्ट वन इज द इनर्ट गैस। दे बिलोंग टू इनर्ट गैस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद एनी अदर एलिमेंट, ओके। सो नाउ यू मस्ट कीप इन माइंड 1, 2 and 3 जो है वो क्या हो गया आपका? मेटल में आता है। बाकी इधर वाले जो है वो क्या है? नॉन मेटल में आते हैं। और एक बात, ये जो है ये आते हैं आपका एस ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में। और ये आते हैं पी ब्लॉक में, ओके। और ये जो है ये आते हैं डी ब्लॉक में। जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड है वो आते हैं एफ ब्लॉक में। तो ये यू विल डिस्कस इन द क्लास 11, ओके। ये क्लास 11 में समझ में आएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ओके। फिर आ जाओ, ये जो यहाँ का जो एल्कली जो इधर वाले जो 1, 2, 13 से लेकर जो 17 तक मेटल नॉन मेटल आए गए, तो इनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मैं और एक नाम देता हूँ, नॉर्मल एलिमेंट। क्या नाम देंगे? नॉर्मल एलिमेंट नाम देंगे। तो हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल? देयर आर 50 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कितना बोलेंगे? 50 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, ओके। फिर आ जाओ, अच्छा इसमें और भी है, यहाँ पीरियड में कहीं मेरा गलत हो सकता है क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपको जस्ट याद करना है अप टू एटमिक नंबर 20 कैल्शियम तक। जब 11 में जाओगे तो पूरा मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ओके। अभी आ जाओ, अब ये जो है तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये जो बीच वाले जो है इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि ये 1-2 ग्रुप कुछ प्रॉपर्टी दे, आई मीन दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी बिटवीन द ग्रुप 1-2 एंड 13-17 एलिमेंट। इनके जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं 1-2 ग्रुप से और 13 से लेकर 17-10 एलिमेंट के बीच में इनका कहीं ना कहीं इनकी सिमिलरिटी दिखाई देता है। तो इसलिए ये हो गया। और एक बात, आपने देखा होगा कि इसमें जो है आपका जो ये है, तो इसमें जो टेबलिंग जो होती है इसको हम लोग क्या करेंगे?
जैसे देखो बोरन सिलिकॉन जर्मनियम ये जो है ये डायगोनली डायगोनली यानी कि दिखाया गया थिक लाइन के जिगजैग लाइन से दिखाया गया है ओके। तो ये भी आप टेबल में देख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ओके। तो अब हम थोड़ा देर बाद में फिर आएंगे, तब तक फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय बाय।